हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार और क्रिस्पी खाखरा बनाने की रेसिपी, जिसे आप स्नैक्स में, नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफिन में स्कूल के लिए रख सकते हैं। इसके साथ ही इसको आप लगभग एक हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और इसके साथ ही कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि सारे खाखरे एक जैसे शेप में आए। तो चलिए बनाते हैं। खाखरा बनाने के लिए एक कप गेहूं का आटा लेना है, जिससे कि हम रोटी बनाते हैं। आटे को हमें छानकर ही लेना है। दो चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, क्योंकि हम मसालेदार खाखरा बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके इसको ऐड करेंगे, और आधा चम्मच जीरा, उसको भी हाथों से क्रश कर लेंगे, आधा चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, और एक चम्मच लेंगे कसूरी मेथी और उसको हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो कसूरी मेथी मैं यूज कर रही हूँ, उसको मैंने घर में ही बनाया है। इसका वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को स्पून से अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसमें दो चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल को हाथों से आटे के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो खाखरा हम बनाए वो क्रिस्पी बने। ऑयल मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, ताकि जो डो हम बना रहे हैं वो ज़्यादा लूज ना हो। जिस तरीके से पराठे का डो बनाते हैं थोड़ा सा टाइट, वैसा ही डो बना के हमें रेडी करना है। तो पानी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसको एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। डो हमने गूंद लिया है। अब इसमें हाफ स्पून ऑयल डालेंगे और हाथों से ऑयल को अच्छे से लगाएंगे डो पर इस तरीके से, और फिर से इसे लगभग एक मिनट तक गूंदेंगे मसलते हुए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और बिना क्रैक वाला डो बनके रेडी हो। डो रेडी हो गया है। अब हम खाखरा बनाएंगे। खाखरा बनाने के लिए हमें डो लेना है, जितना कि हम चपाती बनाने के लिए लेते हैं उतने ही साइज का हमें इसमें से डो ले लेना है, और इस तरीके से गोल शेप उसको देना है। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इस तरीके से उसको फैला लेंगे, ताकि जब हम खाखरा को बेलें तो वो चिपके नहीं। अब जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। बेलते समय ध्यान देना है कि कहीं पर भी ये चपाती मोटी नहीं होनी चाहिए, बीच में भी बिल्कुल इक्वल फ्लैट होनी चाहिए। बेलते समय अगर ये चिपकती है तो इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे और फिर से इसको बेलेंगे। इसकी हमें बड़े साइज की पतली चपाती बना के रेडी करनी है। देखिए, इतनी पतली चपाती बना के हमें रेडी करनी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक शेयर करूंगी कि अगर आपके खाखरा सेम साइज के नहीं बन रहे हैं, तो आप इस तरीके से कोई ढक्कन लीजिए गोल और दबाकर इसको प्रेस कीजिए, और जो किनारे एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे। और ये देखिए कितना परफेक्ट साइज आया है गोल। इसी तरीके से सारे खाखरा बेल के रेडी करने हैं। अब इनको हमें सेकना है, तो गरम तवे पर खाखरा डालेंगे, और जब थोड़ा सा ये बेक हो जाए बैक साइड में तो इसको पलट देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे। अब इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है, इसीलिए ब्रश से इसको पॉलिश करते हुए लगाएंगे।
और जब ये दूसरी साइड में भी थोड़ा सिक जाए तो इसको पलट लेंगे और उस साइड में भी ऑयल लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप बिना ऑयल के भी खाकरा बना के रेडी कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको आप स्नैक्स में या नाश्ते में खा सकते हैं। खासकर बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इनका टेस्ट पापड़ के जैसा लगता है। दोनों तरफ ऑयल लगाने के बाद हल्के हाथ से इनको दबाते हुए सेकेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, केवल हल्का सा ये ब्राउन कलर इस पे आ जाए उतना ही सेकना है। और आप कलर देख रहे हैं, हल्का सा ब्राउन स्पॉट इस पे आ गए हैं, तो ये सिक चुका है अच्छे से। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सभी खाकरे सेक के रेडी करेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएं तब इसको चटनी के साथ में, चाय या कॉफ़ी के साथ में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए खाकरा बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर।